बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादिया बिलाल है और मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटेलाइट टाउन बहावल। जैसे कि आपको पता है कि हम एबीपी फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिक डिजाइन के लेक्चर नंबर 7 पर हैं और आज का हमारा टॉपिक है चेक डिजाइन, जिस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, उस पर हम क्रिटिकली बात करेंगे और डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज चेक डिजाइन। बेसिकली हम अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होते हैं चेक डिजाइन, या इवन हम हमारे घरों में नॉर्मली चेक वर्ड सुनते रहते हैं। व्हाट इज चेक, ये आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अ चेक इज अ पैटर्न ऑफ मॉडिफाइड सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस फॉर्मिंग स्क्वायर्स। बेसिकली चेक क्या है, चेक मॉडिफाइड जो स्ट्रिप्स होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके एक स्क्वायर क्रिएट करती हैं, और फिर वो जो पैटर्न एक क्रिएट होता है, क्योंकि ये एक रिपीटेबल प्रोसेस होता है। एक वर्टिकल लाइन दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रही है और वो एक स्क्वायर बना रही है। इस तरह से जो ये एक पैटर्न क्रिएट होता है, इसे चेक पैटर्न कहते हैं। अ पैटर्न ऑफ स्क्वायर, बेसिकली जो पैटर्न है स्क्वायर का, दिस इज कॉल्ड चेक डिजाइन। Some of the check patterns are pin check, mini check, gingham check, textile check and window pane check. आपके पास ये कुछ check के नाम हैं different. आगे आपको check कीजिए, जो हमारे पास एक basic हमारे पास हमारे mind में check का concept है, this is called the check design. यहाँ पर आपको वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं और क्रॉस करके एक स्क्वायर बनाती नजर आ रही हैं, दिस इज चेक डिजाइन। अब हमारे पास जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम एक एक करके बताएंगे। अब सबसे पहले है विंडो पेन प्लेट। प्लेट कपड़े का नाम है, तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे विंडो पेन प्लेट इज अ पैटर्न ऑफ लार्ज रेक्टेंगल्स और स्क्वायर इन अ कलर कंट्रास्टिंग विद द मेन कलर। विंडो पेन बेसिकली एक ऐसे कलर की चेक होती है, लाइक जिस तरह से अगर ब्लू कलर की विंडो पेन है तो उसके पास उसके कंट्रास्ट में जो उसके मेन कलर है, लेकिन अगर ब्लू है तो उसके साथ स्काई ब्लू दिया हुआ है, अगर डार्क ब्लू है तो उसके साथ लाइट ब्लू दिया हुआ है। ये एक बड़े स्केयर हैं, रेक्टेंगुलर बड़े स्केयर, जिसमें उनके ही कंट्रास्ट में कलर होता है। एक मेन कलर है तो उसके साथ उसी की फैमिली का कोई लाइट कलर या कोई डार्क कलर ऐड किया जाता है। ये है विंडो पेन प्लेट। अब आगे है टार्टन। टार्टन इज अ पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल कलर क्रॉस क्रिस क्रॉस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बैंड्स। जिस तरह से पहली पहली हमने पिक्चर देखी, जिसमें दो तीन कलर कंट्रास्ट में दो तीन मल्टीपल कलर की जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बैंड या स्ट्रिप्स या लाइन एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही हैं, वो बेसिकली टार्टन है। द पैटर्न ऑफ द स्ट्रिप्स रनिंग वर्टिकली इज डुप्लीकेटली एग्जैक्टली ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। समझ आ गई कि जो हमारे पास एक हमारे पास पैटर्न चल रहा है, आपको मैं आगे पिक्चर में दिखाती हूँ। जिस तरह से ये हमारी बिल्कुल सेंटर वाली पिक्चर है, आप देख सकते हैं जो इसकी वर्टिकल एक लाइन एक स्ट्रेप चल रहा है। वर्टिकल में पहले ब्राउन फिर वाइट फिर वही वर्टिकल जो है वही सेम हमारे पास रेक्टेंगुलर में भी है, वो आपस में क्रिस क्रॉस होके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बनाती है। द पैटर्न ऑफ द स्ट्रिप्स रनिंग वर्टिकली इज डुप्लीकेटेड, बिल्कुल एग्जैक्ट डुप्लीकेट होता है on the horizontal axis, जो vertical axis में है उसी का duplicate बना के horizontal पे चलाए होते हैं, where the different color overlap new color are created. देखें यहाँ पर, obviously जब एक कलर के ऊपर हम दूसरे कलर की, जैसे एक प्लेट हम फॉर एग्जाम्पल रखी, एक कलर की प्लेट का मतलब एक लेयर समझें, एक लेयर एक्सरे शीट समझ लें, एक कलर का एक्सरे शीट रखा नीचे दूसरा कलर का, तो वो दोनों का मिलके एक तीसरा कलर जो क्रिएट होता है टार्टन में उस टाइप का होता है। फर्स्ट जो हमने पढ़ा उसमें एक ही कलर लिया जाता है बेस में और उसी की ही फैमिली से सेकंड कलर लिया जाता है, पर जबकि यहाँ पर कंट्रास्टिंग में मल्टीपल कलर लिए जाते हैं और एक का जो
एक का डुप्लीकेट होता है एग्जैक्टली वैसा ही दूसरा डुप्लीकेट लेकर उसमें कलर क्रिएट किया जाता है जब ओवरलैप में वो कलर आते हैं. नेक्स्ट है प्ले. प्ले रेफर्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गारमेंट. जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि प्ले जो है वो एक गारमेंट का नाम है वॉर्न बाय द स्कॉटिश टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड हार्श विंटर. बेसिकली प्ले जो है वो एक वूल का फैब्रिक है जिसे स्कॉटिश जो है वो अपने पास सबसे पहले स्कॉटिश ने इसको इन्वेंट किया या पहनना स्टार्ट किया अपने हार्श अपने विंटर्स के लिए कोल्ड के लिए सर्दी से बचने के लिए. द वर्ड प्ले इज डेराइव्ड फ्रॉम द जेलिक वर्ड प्ले मीनिंग ब्लैंकेट क्योंकि वो बहुत गर्म होता है ब्लैंकेट तो उससे ये वर्ड निकला है और ये बाद में एक अपर या स्वेटर इस टाइप में बनने लग गया. द टर्म प्ले रेफर्स टू पैटर्न इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल टार्टन डिजाइन एंड द टर्म टार्टन नाउ रेफर्स टू अ टाइप ऑफ प्ले. बेसिकली ये जो टर्म है प्ले उसको हम इंस्पायर समझ सकते हैं जो इसके पैटर्न हैं. अब पहले का पैटर्न आपने देख लिया बिल्कुल सिंपल सेकंड मल्टीपल कलर. तो नेक्स्ट जो प्लेड है वो इंस्पायर्ड है टार्टन से और जो उसका टार्टन जो है वो नई टर्म समझी जा सकती है प्लेड की. प्लेड हैव मेनी वेरिएशन ऑफ बैंड विड्थ रिपीट और कलर मतलब उसमें विड्थ में भी उसकी रिपीट में भी और कलर में भी बहुत वेरिएशन है प्लेड में. अब आगे प्लेट की आपके सामने एग्जांपल है आपने देखे होंगे इस टाइप के स्वेटर इस टाइप की जैकेट और इवन वुलन कपड़े वुलन फैब्रिक्स हमारे पास इन डिजाइन में अक्सर हम देखते रहते हैं जो कि टार्टन की ही एक टर्म लग रही है टार्टन से इंस्पायर्ड लग रहा है उससे रेफर्ड लग रहा है हमें. आगे चेक की बेसिकली चेक पैटर्न आर सिंपलर देन प्लेट. एक टाइप जब हम पढ़ रहे हैं पहला हमने पढ़ा डिवाइस साथ साथ करेंगे. फर्स्ट हमारे पास था विंडो पेन सेकेंड टार्टन थर्ड प्लेड और फोर्थ है चेक. चेक पैटर्न आर सिंपलर देन प्लेड. अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हम आहिस्ता आहिस्ता सिंपलेस्ट की तरफ आ रहे थे तो हमने चेक को भी सिंपल कर दिया. दे जनरली कंसिस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिंग कलर बट नॉट ऑलवेज मतलब वो हमेशा हमेशा नहीं पर जनरली जो उनके होते वो दो अल्टरनेटिव कलर्स रखते थे. चेक पैटर्न आर सिमेट्रिकल कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट फॉर्म इक्वल साइज स्केल. अब ये है कि जो चेक पैटर्न है वो सिमेट्रिकल होते हैं और क्रिस क्रॉस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को आपस में इक्वल साइज में वो क्रिएट करते हैं. आगे इसकी पिक्चर दिखाएंगे ओके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे. द चेक पैटर्न इज ऑलवेज इज आल्सो यूज्ड इन मेनी एरियाज अदर देन टेक्सटाइल स्टाइल मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो हमारा चेक डिजाइन है जो पहले प्लेड और वो सब तो सिर्फ फैब्रिक के लिए वेयरिंग के लिए टेक्सटाइल स्टाइल के लिए बनाया जाता था बट जो चेक डिजाइन है वो ना सिर्फ हमारे टेक्सटाइल डिजाइन के लिए यूज होता है ये फॉर एग्जाम्पल ऑन अ बोर्ड यूज बाय द मेडिकल मतलब हमारे पास मेडिकल में हमारे पास जो हमारा चेक डिजाइन है वो एयरफोर्स में भी यूज होता है वो पुलिस के लिए भी यूज हो रहा है वो हमारे पास मेडिकल के लिए भी यूज हो रहा है. फाइनेंशियल कंप्यूटेशन चल रहा है ऑन अ बोर्ड यूज फॉर प्लेइंग चेकर चेस के लिए भी अब देखते हैं हमारा चेस जो है चेस बोर्ड उसमें भी चेक यूज हो रहा है एंड इन हेलरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ये चेक हमारा कंटिन्यूसली चलता आ रहा है फ्रॉम द ईयर्स. ईच लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय द सेम काइंड ऑफ लाइन इन इक्वल इंटरवल एंड विड्थ सेम इंटरवल सेम लेंथ सेम विड्थ के बाद एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है. इस चेक डिजाइन में देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक पैटर्न्स सच एज gingham, buffalo and window pane. Take a look at some of greenhouse wonderful check patterns below. Look at this. Ek color ke upar dusra color matlab generally ye do color use karte the ke baad ye copy width mein apne check ko rakhte the par hamesha nahi sometimes generally ye hota tha. Basically ab humne ye dekhna hai ki use of check check
कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. इन सम कंट्री द चेक पैटर्न हैज बिकम अ सिंबल फॉर द पुलिस. मैंने अभी आपको बताया है कि जो चेक है वो हम चेक जो है वो हमारे लिए पुलिस के लिए भी यूज हो रहा है, वो हमारे पास चेस गेम के लिए भी यूज हो रहा है, और हमारे पास मेडिकल में भी हमारे पास चेक यूज हो रहा है, हमारे पास एयरफोर्स में भी चेक यूज हो रहा है. एंड चेक की बहुत एक वाइल्ड रेंज बन गई है, इवन उसको स्वेटर में और सिम के लिए नहीं, होम टेक्सटाइल्स में भी, बेडशीट्स में, हमारे पास कारपेट्स में, ये सब जगह चेक डिजाइन यूज हो रहा है. द चेक पैटर्न हैज अ नंबर ऑफ सिंबॉलिक मीनिंग. ऑब्वियसली किसी चीज को जब इतना ज्यादा यूज हो रहा है तो उसके सिंबल्स का कुछ मीनिंग होगा. इन ऑटो रेसिंग हम देखते हैं, ऑटो रेसिंग में जब हम लोग की वो सबसे पहले एक फ्लैग को डिस्प्ले किया जाता है, वो फिनिशिंग लाइन के लिए होता है, तो हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग है. ये नहीं है कि कोई भी चीज ऐसे ही बना दी गई है. अब उसका चेस में भी उसका कोई मीनिंग है. अगर रेसिंग लाइन में फ्लैग में चेक है तो उसका कुछ अलग मीनिंग है. और हर चीज का जिस तरह से अलग मीनिंग है तो उसको उस तरह से डिपिक्ट किया जाता है. अब मैंने ये टाइप्स को दोबारा अरेंज करके आपके सामने रखा है. अब मैं आपको एक एक करके इनके नाम बताऊंगी. आर्जली, बेटनबर्ग मार्केटिंग, चेक फ्लैग, डिफरिंग पैनल, गिंगम, हॉन स्कॉच, मद्रास प्लेट. मद्रास बेसिकली इंडियन फैब्रिक है, उसका नाम है. सिलूटी टार्टन, एयर टिलिंग, ट्राइब टार्टन और स्टार्टल. थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी कि इसमें क्या क्या बेसिकली था. बेसिकली इसमें टाइप्स थी हमारे पास, जो सारी टाइप्स हैं हमारे पास, टार्टन था, इसमें प्लेट था, चेक था और विंडो पेन था. इनमें मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि इसमें कितने कलर यूज होते हैं, किसमें मल्टीपल कलर यूज हो रहे हैं और किसमें सिर्फ दो कलर यूज हो करके वो अपने चेक को इतना क्रिएटिव बना रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो भी लेक्चर पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन आज की तरह ही करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफि.